इसमें ABS मिलता है, यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन लगा कर दी है। इन दोनों में सेम इंजन है लेकिन एक गियर ज़्यादा दिया गया है। तो प्लेटिना 100 और CT 100X में ट्यूब वाले टायर मिलते हैं, जबकि 110 प्लेटिना में ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, है ना। एक हाईवे वाला गियर है और ये 5G वाली गाड़ी है। बजाज लाइनअप में 100cc और 110cc के सेगमेंट में टोटल 3 बाइक आती हैं, प्लेटिना 100, उससे ऊपर CT 110X, उससे ऊपर प्लेटिना 110 ABS। तीनों बाइक अभी अपने साथ में है। आज के इस वीडियो में इन तीनों बाइक के बीच में मैं मैसिव कंपैरिजन करने वाला हूं और इनके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इन तीनों बाइक में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कलर की। इन तीनों ही बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। आइए अब बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन की, जहां पर डिफरेंस देखने को मिलता है। ये वाली बाइक 117 केजी की है, 117 किलो की है, और ये वाली बाइक CT 110X 127 केजी की है, 127 किलो की है, और प्लेटिना 110 ABS 123 केजी की है, 123 किलो की है। सीट हाइट की अगर बात की जाए तो इसकी सीट हाइट और इसकी सीट हाइट सेम है, दोनों प्लेटिना की 807 mm की है और इसकी सीट हाइट 805 mm की है। ग्राउंड क्लियरेंस में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। प्लेटिना 100 एंड 110 में ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का मिलता है और इसमें CT 110X में 170 mm का मिलता है। आइए अब इनको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं, चारों तरफ से देख लेते हैं। ये है इन तीनों बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल। फ्रंट से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। सबसे पहले तो मैं आपको प्लेटिना 100 दिखाता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर DRL दिए गए हैं, ग्राफिक्स कुछ इस तरीके के मिल जाते हैं साइड में। इग्निशन के ऑन होते ही DRL ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, हेडलाइट ऑन हो जाती है, साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में मिलते हैं और हेडलाइट भी हैलोजन बल्ब में दिया गया है। आइए अब मैं आपको बल्ब दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, फोनिक्स कंपनी का और 35x35 वॉट का इसमें हैलोजन बल्ब लगा कर दिया है। इसकी हेडलाइट को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखिए, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल। यहाँ पर ये साइड टर्न इंडिकेटर्स हैं। अब बात कर लेते हैं CT 110X की। इसका हेड को जिस तरीके का मिलता है, टूरर एंड मस्कुलर दिया गया है, इसमें भी DRL ऊपर की तरफ मिलता है। इग्निशन के ऑन होते ही सेम पैटर्न है, DRL ऑन हो जाते हैं, हेडलाइट ऑन हो जाती है, हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप, साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में, और इसमें भी फिनिक्स कंपनी का ही 35x35 वॉट का बल्ब लगा कर दिया है। यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन लगा कर दी है। इसकी हेडलाइट ग्लास के लिए प्लेटिना 110 ABS, ये देखिएगा, इसका भी पैटर्न सेम है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए एडिशनल वाइजर लगा कर दिया है। नट इधर लगे हुए हैं, इधर ये कुछ भी नहीं है, ये पूरा का पूरा एक ही पैटर्न है, जबकि इसमें 12 पार्ट दिया गया है। साइड में ग्राफिक्स कुछ इस तरीके के मिलते हैं। इग्निशन के ऑन होते ही इसका भी पैटर्न सेम है, साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में, लेकिन ये थोड़े कम फ्लेक्सिबल हैं और इनका डिज़ाइन भी सबसे अलग है। यहाँ पर DRL, नीचे की तरफ हेडलाइट और हेडलाइट में बल्ब दिया गया है हैलोजन, फोनिक्स कंपनी का ही है, 35x35 वॉट का है भाई। जानते हैं इनके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। तीनों में ही फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं, ये देखिए, इधर ये देखो, इधर ये देखो। लेकिन एडिशनली 110X में यहाँ पर ये रबर की प्रोटेक्शन लगा कर दी है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बात कर लेते हैं फ्रंट मडगार्ड की। इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है, इसका कुछ ऐसा है और इसका कुछ ऐसा दिया गया है। तीनों ही बाइक में 17 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयज़ का पैटर्न इन दोनों बाइक में सेम है, प्लेटिना 110 में अलग मिलता है। इसमें सिल्वर कलर के अलॉयज मिलते हैं और उन दोनों में ब्लैक कलर के अलॉयज मिलते हैं। टायर की अगर बात की जाए तो प्लेटिना 100 और CT 100X में ट्यूब वाले टायर मिलते हैं, जबकि 110 प्लेटिना में ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। पहचान मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, इसमें ये ढिमरी लगी हुई है, ये देखो बोल्ट लगा हुआ है और इसमें
ये देखो रबर वाला नलकी मिलता है, ये देखो ये पहचान होती है ट्यूबलेस टायर की, और इन दोनों में ट्यूब वाले टायर मिलते हैं। मैं आपको फ्रंट टायर साइज भी दिखा देता हूँ तीनों बाइक का। ये रही प्लेटना 100 2.75/17, ये रही सिटी 110 2.75/17, और ये रही प्लेटना 110 ABS वाली। इसमें मेट्रो के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं, और साइज मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा 80/117। बात करते हैं इनके ब्रेकिंग सिस्टम की। प्लेटना 100 में, सिटी 110X में, इन दोनों में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। वहीं दूसरी ओर जो प्लेटना 110 है वो ABS वेरिएंट में आती है डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम में, और ये ड्रम में भी आती है। यदि ड्रम में लोगे तो तीनों ही बाइक में ड्रम में 130mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, और यदि ABS में लोगे यानी कि डिस्क में लोगे प्लेटना 110 को तो इसमें 240mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, और स्पीडोमीटर का जो कनेक्शन है वो फ्रंट व्हील से ही मिलता है। प्लेटना 110 डिस्क वेरिएंट में है और इसमें ABS मिलता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसका मैंने डेडिकेटेड टेस्ट भी किया हुआ है ABS का, उसकी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, लिंक आपको आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन तीनों बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। प्लेटना 100 इधर ये प्लेटना का स्टिकर लगा हुआ है, E20 का सपोर्ट मिल जाता है। सिटी 110X का टैंक कुछ इस तरीके का है, इधर ये टैंक पैड मिल जाता है, सिटी का स्टिकर, ये देखो E20 का इसमें भी स्टिकर लगा हुआ है। प्लेटना 110 इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है, प्लेटना इधर ये टैंक पैड लगा हुआ है। प्लेटना 100 और सिटी 110X में 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, वहीं दूसरी और प्लेटना 110 में 10.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। तीनों के हैंडल और ORBM का डिज़ाइन दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्लेटना 100 को लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, उसके नीचे एक हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर यहाँ पर डेडिकेटेड हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, उसके नीचे एक सेल्फ का बटन। बात करते हैं सिटी 110X की, सेम फीचर बटन मिलते हैं, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है। बात कर लेते हैं प्लेटना 110 ABS की, इसमें भी सेम फीचर बटन मिलते हैं, ये देखिएगा। चाबी मैं आपको दिखाता हूँ प्लेटना 110 की, कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है, नॉर्मल चाबी है भैया। और सिटी 110 की कुछ इस तरीके की चाबी है, इसमें ये पल्सर वाली चाबी दी गई है, पहले यही चाबी डिस्कवर में भी आती थी भाई, ये देखो। प्लेटना 100 में इग्निशन के ऑन होते ही मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। प्लेटना 100 की लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर दिया गया है, 120 तक की स्पीड इसमें छापी गई है। इधर ये फ्यूल गेज मिल जाता है, न्यूट्रल इंडिकेटर, और इसमें चेक इंजन इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर, साइड टर्न इंडिकेटर, लेकिन भाई इसमें साइड स्टैंड इंडिकेटर नहीं मिलता है, ये देखो। अब बात कर लेते हैं सिटी 110X की, इसके इग्निशन के ऑन होते ही मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज, न्यूट्रल इंडिकेटर, चेक इंजन इंडिकेटर, साइड टर्न इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर, लेकिन भाई इसमें भी मुझे लग रहा है कि साइड स्टैंड इंडिकेटर नहीं मिलता है। बात कर लेते हैं प्लेटना 110 की, इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, राइट साइड में एक डिस्प्ले मिलती है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, ऑडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाता है, ABS इंडिकेटर ऊपर की तरफ, न्यूट्रल इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर, चेक इंजन इंडिकेटर, साइड टर्न इंडिकेटर, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, ऑटो ट्रिप, और इसमें भी आई थिंक मुझे लग रहा है कि साइड स्टैंड इंडिकेटर नहीं मिलता है। जी हाँ, इसमें भी नहीं है। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, इनके इंजन की। प्लेटना 100 में मिलता है 102 cc का इंजन, और
सिटी 110X और प्लेटिनम 110 में मिलता है 115.47 सीसी का इंजन। तीनों में कॉमन है एयर एंड ऑयल कूल है, BS6 मिलता है, FI फ्यूल इंजेक्शन तीनों में से किसी में नहीं मिलता है, तीनों में कार्बोरेटर मिलता है, 4-stroke 2-valve बजाज कंपनी का बेस्ट क्वालिटी के इंजन लगाकर कंपनी ने दिए हैं। प्लेटिना 100 की इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.79 BHP की 7500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.34 न्यूटन मीटर का 5500 RPM पर। इन दोनों बाइक में सेम इंजन मिलता है, बिल्कुल डिट्टो सेम, कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं है। ये देखिएगा, इनके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.48 BHP की 7000 RPM पर और इनका मैक्सिमम टॉर्क है 9.81 न्यूटन मीटर का 5000 RPM पर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है प्लेटिना 100, इसमें टोटल 4 गियर मिलते हैं, सभी गियर आगे की तरफ लगते हैं। CT 110X, इसमें टोटल 4 गियर मिलते हैं, सभी गियर आगे की तरफ लगते हैं, लेकिन प्लेटिना 110 जो ABS है उसमें टोटल 5 गियर मिलते हैं और सभी गियर आगे की तरफ लगते हैं। ये देखो भाई, है ना, एक हाईवे वाला गियर है और ये 5G वाली गाड़ी है। इन दोनों में सेम इंजन है लेकिन एक गियर ज़्यादा दिया गया है प्लेटिना 110 में। तीनों ही बाइक में सेफ्टी पॉइंट W से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिल जाता है, सेंट्रल स्टैंड दिया गया है। ये देखिएगा साइड पैनल का पैटर्न, प्लेटिना 110, CT 110 और ये प्लेटिना 100। तीनों में कार्बोरेटर मिलता है, ये देखो लगा हुआ है। तीनों ही बाइक में सिंगल सीट दी गई है और तीनों की ही सीट जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी है, सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है। प्लेटिना 110 की जो सीट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये देखो भाई, कंफर्टेक को भी मेंशन किया गया है, सीट कॉल पर 110 ABS को मेंशन किया गया है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और इसमें तो कोई भी सीट काउल नहीं मिलता है, ग्रैब रेल ही इधर दिया गया है पकड़ने के लिए, और इधर 100 कम्फर्टेक को मेंशन किया गया है। इसके ग्रैब रेल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, CT 110X का जो ग्रैब रेल है, कैरियल इसमें दिया गया है, प्रॉपर सॉलिड है, यहाँ पर ये रबर, इधर ये फाइबर दिया गया है, और प्लेटिना 110 के ग्रैब रेल का डिज़ाइन कुछ ऐसा दिया गया है। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की, प्लेटिना 100 में डबल स्प्रिंग सस्पेंशन दिए हैं लेकिन ये एडजस्टेबल नहीं है, ये देखो। वहीं दूसरी ओर CT 110 में यहाँ पर ये एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए गए हैं, डबल स्प्रिंग है। प्लेटिना 110 में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए गए हैं जो कि नाइट्रॉक्स है। ये देखो, चैन साइड कवर तीनों ही बाइक में मिलता है लेकिन यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है, प्लेटिना 100 में फाइबर का है, CT 110 में ये मेटल का दिया गया है और प्लेटिना 110 में फाइबर का दिया गया है। प्लेन फुट पैड, इधर ये प्लेन फुट पैड, साड़ी गार्ड मिलता है, लेडी फुट पैड लगा कर दिया है, इधर ये साड़ी गार्ड, लेडी फुट पैड, और इसमें भी साड़ी गार्ड, लेडी फुट पैड दिया गया है। अब बात कर लेते हैं रियर टायर की, प्लेटिना 100 में रियर में मिलता है 3.017 का टायर, ट्यूब वाला टायर है। सिटी में मिलता है 3.017 का टायर, इसमें ग्रिप्स अलग तरीके की हैं, ये देखो ऑफ रोडिंग वाली, ब्लॉक्स वाली, और इसमें ये नॉर्मल वाली है। और ये रही प्लेटिना 110 ABS, इसमें मिलता है 8017 का ट्यूबलेस टायर। रियर से प्रोफाइल इन तीनों ही बाइक की कुछ इस तरीके की है, साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में, टेल लाइट का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, इसका कुछ ऐसा है और इसका कुछ ऐसा है, हैलोजन बल्ब ही मिलता है। बात करते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की, तीनों ही बाइक में रियर में 110mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगा कर दिया है। जी हाँ, बजाज में 110mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम देते हैं, TVS में भी देते हैं, जबकि हीरो और होंडा में 130mm का रियर में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है भाई। एग्जॉस्ट का डिज़ाइन कुछ ऐसा है प्लेटिना 100, और इसके एग्जॉस्ट का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, इसमें राइट साइड में भी यहाँ पर ये देखिए एडिशनली ये प्रोटेक्शन लगा कर दी है, ये देखो CT 110 में, और प्लेटिना 110 में कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट मिलता है। तीनों ही बाइक में किक स्टार्ट का फीचर मिल जाता है, ये देखिएगा,
डिटेल इनका कंपैरिजन कर लिया, आइए बाइक स्टार्ट करते हैं, इंजन साउंड सुनते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। सबसे पहले तो प्लैटिना 100 सिंगल अटेम्प्ट पे ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट, थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूँ, अब स्टार्ट कर लेते हैं सीटी को। यहाँ पर ये देखो एडिशनल प्रोटेक्शन लगा कर दी है, ये भी सिंगल अटेम्प्ट में स्टार्ट हो गई। इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट, आइडियल कंडीशन पर है, थ्रॉटल देता हूँ, इसका थोड़ा सा बेसी साउंड है। अब स्टार्ट कर लेते हैं प्लैटिना 110 को, सिंगल अटेम्प्ट में ये भी स्टार्ट हो गई। इंजन साउंड सुनिए, आइडियल कंडीशन पर, एग्जॉस्ट नोट आइडियल कंडीशन पर, थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूँ, इसका भी साउंड थोड़ा सा बेसी है। इन तीनों ही बाइक में इंजन किल स्विच नहीं मिलता है, ना ही इंटीग्रेटेड और ना ही डेडिकेटेड। आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तीनों ही बाइक बजाज कंपनी की हैं, सेम वारंटी मिलती है, 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी है और 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी इन पर मिलती है। बात कर लेते हैं माइलेज की, नो डाउट भाई 100cc की जो प्लैटिना है उससे माइलेज भी ज़्यादा मिलेगा, लगभग ये 70 के आसपास का माइलेज निकाल कर दे देती है। और जो CT 110 है और प्लैटिना 110 जो है लगभग 65 के आसपास का आराम से निकाल कर दे देगी, फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। आइए बात कर लेते हैं इनके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। इसकी एक्सोरूम प्राइस है 66,000, इसकी एक्सोरूम प्राइस है 68,000 और इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 79,000। प्लैटिना 100 से CT 100 एंड 10X के बीच में लगभग 2,000 रुपये का अंतर है और सीटी से प्लैटिना 110 के बीच में लगभग 11,000 रुपये का अंतर है। और प्लैटिना 100 से प्लैटिना 110 ABS के बीच में लगभग 13,000 रुपये का अंतर है। कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए, आइए अब जान लेते हैं। ऑन रोड प्राइस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये आप एड ऑन कर दीजिए, जैसे कि 66 की ये है तो ये पड़ जाएगी लगभग 76,000 की, ये वाली पड़ जाएगी लगभग 78,000 की और ये वाली पड़ जाएगी लगभग प्राइस का आपके बल रफ आइडिया ही मानेगा, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। आइए बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन की, फाइनल कंक्लूजन की, कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं प्लैटिना 100 किसको लेनी चाहिए। जिन लोगों का बजट कम है, जिन लोगों को ज़्यादा माइलेज चाहिए वो लोग इस बाइक की तरफ चाहिए। जो लोग भी डिलीवरी बॉय हैं, अपना एक बिजनेस बाइक से स्टार्ट करना चाहते हैं, बाइक पर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बाइक है, क्योंकि भाई इसमें दमदार इंजन मिल जाता है, कीमत भी कम मिलती है और इसमें काफ़ी सारी एसेसरीज कंपनी की तरफ से लगकर आती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये बाइक काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी है। अब बात कर लेते हैं प्लैटिना 110 किसे लेनी चाहिए। यदि आपको ब्रेकिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छा चाहिए, आपको सेफ्टी नंबर वन प्रायोरिटी में रखते हैं और आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए, तगड़ा इंजन चाहिए, इंजन से परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, माइलेज ज़्यादा चाहिए और आपका बजट भी ठीक ठाक हो, तो भाई आप इस बाइक की तरफ भी जा सकते हैं। यदि आप इन तीनों बाइक में से किसी भी बाइक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, प्रॉपर जानना चाहते हैं, तो भाई इनका मैंने डेडिकेटेड बैकग्राउंड भी किया हुआ है और इनका राइड रिव्यू भी किया हुआ है। सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक आपको कार्ड में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो भाई तीनों ही बाइक अपनी अपनी जगह काफ़ी बेहतर हैं, रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए
और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियो, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस, समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।